यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। है गाइस, कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। दो दो बार लगातार 8-8 का ऑनर स्कोर माइनस लग गया और अभी के टाइम पे ये ऑनर स्कोर 92 पर आकर अटक चुका है। एंड इस ऑनर स्कोर से तो मैं सीएस रैंक भी नहीं खेल पा रहा हूँ और बस इसीलिए मुझे ये सारे हिडन प्लेसेस क्लैश ऑफ स्क्वाड में बनाने पड़े। और गाइस, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 10 हिडन प्लेसेस बताने वाला हूँ। और साथ ही याद रखना, वीडियो के एंड में मैं आपको इस वाले ड्रैगन के ऊपर चढ़ने की ट्रिक एंड चढ़ के भी दिखाने वाला हूँ। हाँ तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। और गाइस, क्लैश ऑफ स्क्वाड में इतने खतरनाक प्लेयर्स आएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और आप लोग हिडन प्लेसेस को देखने से पहले वीडियो के इस क्लिप को देखो जो कि क्लैश ऑफ स्क्वाड का है। हाँ, जिसमें सामने से आ रहे बंदे को मैं AWM से 150 का डैमेज देता हूँ और दूसरा शॉट मिस क्या होता है, वो एनिमी हम दोनों को ही डाउन करके फिनिश कर देता है। मतलब इस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सामने ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर्स आ चुके हैं। और अगर बात करें ट्रिक नंबर 10 की, तो आपको इस क्लॉक टावर वाले प्लेस में एक ट्रिक बताता हूँ। और ये ट्रिक इतना बढ़िया होगा कि आपको ग्लोबल का भी यूज नहीं करना है, फ्रेंड की भी हेल्प नहीं लेनी है, बस एक लॉन्ग रेंज की गन परचेस कर लेना। और मैच को स्टार्ट होते ही आप लोग को सीधा दौड़ते हुए इस वाले घर पे सीधा नहीं घुसना है बल्कि लेफ्ट वाली खिड़की का यूज करके जाना। और चाहो तो आप सामने खिड़की पे ग्लोबल लगा के भी आ सकते हो, बट आपका ग्लोबल वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये बताया। एंड फिर ऊपर आने के बाद इस वाले बॉक्स के ऊपर जंप करके आप लोग को इसके घर के टॉप पे आ जाना है। फटाफट से इधर से जंप करके अपने साइड आ जाना। और देखो, अपने साइड आने के बाद जब आप फायर करोगे तो एनिमीज को लगेगा कि मेरे सामने कहाँ बंदा है। और देखो, सामने इस खड़े वाले एनमी को मैं हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ एंड ये मुझे स्पॉट ही नहीं कर पाता। और इन दोनों ही एनमी को डाउन करने के बाद मैं सामने की साइड जाता हूँ कि अगर कोई उसका तीसरा बंदा आ रहा होगा तो मैं उसको मारूंगा, बट देखता हूँ एक बंदा रिवाइव कर रहा है तो मैं उसको बड़े आराम से हेडशॉट देकर डाउन कर देता हूँ। एंड अब तो लास्ट वाला एनमी बचा है जिसको अगर मैं मारता हूँ तो मेरा एस हो जाएगा। और ये लो, हो भी गया। तो आप लोग इस वाली ट्रिक को जरूर से ट्राई करना, ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। और गाइस, अब बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 9 की ओर। और ये वाला ट्रिक वर्क करने वाला है हमारे केप टाउन वाले प्लेस में। और मैं भी आपको प्रीफर करूंगा कि इस वाले ट्रिक को करने से पहले आप AWM परचेस कर लेना एंड फिर इस वाले घर के ऊपर आ जाने के बाद इस वाली खिड़की का यूज करके इधर आ जाना एंड यहाँ से जंप करते ही आप लोग इस वाले घर के ऊपर आ जाओगे। और गाइस, यहाँ से अगर सामने येलो वाले बिल्डिंग पे कोई बंदा होता है तो आप उसको भी इजीली मार पाओगे। एंड मैं स्पॉट करता हूँ कि सामने के साइड एक बंदा है जिसको 150 का डैमेज देने के बाद उसके दूसरे टीममेट को भी 150 मारता हूँ, बट दूसरा मिस हो जाता है एंड तीसरा भी। और फिर नीचे वाला एनमी मुझे डैमेज दे रहा होता है जिसको 150 मार के दूसरा 150 मारने जाता हूँ, बट मैं ही नीचे गिर जाता हूँ। और आपको तो पता ही है क्लैश ऑफ स्क्वाड का मैच है तो ये वाला एनमी इंजेक्शन का यूज करके फिर से रिवाइव हो जाता है, बट इसका एम मिस होता है ग्लोबल लगा के। मैं इसको फिर से डाउन कर देता हूँ एंड इसको फटाफट से फिनिश करके इसका गन लूटता हूँ तो इसके पास MP5 का 3 चिप होता है। और अब सामने बचे हुए दोनों में से एक एनमी सामने मुझ पे रश करने लगता है, बट AWM का एक शॉट मार के 2 शॉट मारता हूँ एंड वो डाउन हो जाता है। और फिर तुरंत ही उसका दूसरा एनमी रश करता है जिसको भी इजिली डाउन करके फिनिश कर देता हूँ। और अगर आप स्नाइपर नहीं चलाते तो इस ट्रिक को करते टाइम आप कोई और लॉन्ग रेंज की गन भी परचेस कर सकते हो। हाँ तो गाइस, चलो अब बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 8 की, जो कि वर्क करने वाला है हमारे मार्स इलेक्ट्रिक वाले प्लेस में। और गाइस, इस वाले हिडन प्लेस को करने के लिए आपको 3 ग्लोबल का यूज करना पड़ेगा एंड एक लॉन्ग रेंज की गन परचेस कर लेना। और मैच को स्टार्ट होते ही आप लोग इधर पीछे के साइड आ जाना, पहले ग्लोबल को नीचे लगाना एंड दूसरे ग्लोबल को जितना ऊपर हो सकता है लगाओ। अब दूसरे ग्लोबल को तो बहुत ऊपर लगा दिया, लेकिन तीसरे ग्लोबल को थोड़ा लिमिट में ही लगाना, ज्यादा ऊंचा मत करना नहीं तो नहीं चढ़ पाओगे। और फिर इन कलर बॉक्सेस का यूज करके इन वुडन बॉक्सेस पे आना एंड फिर इस पहले ग्लोबल पे जंप करने के बाद आपको इस ऊपर वाले बॉक्सेस के ऊपर आना है एंड इसके बाद आप दूसरे ग्लोबल पे चढ़ पाओगे एंड फिर तीसरे ग्लोबल पे आते ही आपको एनमीज दिखने लगेंगे। और अगर आपको सामने के साइड एनमीज नहीं दिख रहे तो आप थोड़ी देर वेट कर सकते हो, 1 से 2 एनमी इधर से जरूरी रस करते हैं। और गाइस, ये देखो, अब तो सामने वाले एनमीज का सिर्फ लास्ट ही बंदा बचा है, बाकी मैं गलती से नीचे गिर गया था तो मैं फिर से इसके ऊपर आ जाता हूँ एंड यहाँ से आप लोग सामने वॉल पे भी जंप कर सकते हो। और फिर इस वाले वॉल से सामने वाले वॉल के ऊपर जाने के लिए आपको रन करके जंप करके लेफ्ट साइड आना पड़ेगा। और बस इसी चीज को मैं दूसरे बार नहीं कर पाता एंड नीचे गिर जाता हूँ, बाकी आप लोग जरूर से ट्राई करना। और बाकी अब बात कर लेते हैं हिडन प्लेसेस नंबर 7 की, जो कि हमारा वर्क करने वाला है नूरेक डैम वाले प्लेस में। और गाइस, इस हिडन प्लेस को आप लोग कभी भी ट्राई कर सकते हो किसी भी राउंड में, क्योंकि ग्लोबल का यूज ही नहीं करना पड़ेगा। और बस मैच को स्टार्ट होते ही आप लोग को इधर जंप करने के बाद इधर आना है एंड यहाँ से जंप करके नीचे के साइड आ जाना। एंड गाइस, पहली बात, इस चीज को करते टाइम आपको कोई देख नहीं पाएगा एंड आप लोग पीछे से जब एनिमीज पे रश करोगे तो उनको सरप्राइज मिल जाएगा। और फिर यहाँ से आप लोग इसके ऊपर इजिली जंप कर पाओगे एंड फिर इधर से रन करने के बाद आप लोग सीढ़ी का यूज करके ऊपर आ जाना। और क्योंकि ये पहला राउंड है इसलिए मैं रन करके जा रहा हूँ, आप लोग क्राउच करके भी जा सकते हो जिससे कि एनमी आपको स्पॉट ही नहीं कर पाएगा। और इधर बैठे हुए सारे ही एनमीज को आप सरप्राइज कर दोगे, इसको हेडशॉट मारता हूँ बट मेरा किल तो चोरी हो जाता है, बट राइट साइड एक कंटेनर पे बंदा होता है जिसको मैं बड़े आराम से हेडशॉट देकर खत्म कर देता हूँ। और चलो अब बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 6 की, जो कि हमारा वर्क करने वाला है पचीनॉक वाले प्लेस में। और गाइस, ये कोई ट्रिक नहीं होने वाला बल्कि इस क्लिप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट राउंड में आप M500 क्यों खरीदते हो यार, M187 खरीदो, सॉरी मतलब छोटू शॉटगन खरीदो। क्योंकि ये देखो, जब मैंने यहाँ पर छोटू शॉटगन को परचेस करने के बाद तत्सुया का यूज करके रश किया तो एक बंदे को इजीली डाउन कर दिया, और फिर जब मेरा गन रिलोड पे गया
तो मैं तत्सुया का यूज करके पहले तो दूर गया एंड फिर पास आकर इस वाले एनमी को भी काफी ज्यादा डैमेज कर दिया। और फिर मैं इस घर का कवर लेता हूँ क्योंकि मेरा गन रिलोड पे आ गया था एंड फिर से मैं इसको बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ। और फिर मुझे ये वाला एनमी दिखता है जो कि आगे जाकर 1v2 1v4 निकाल रहा था, ये सो जाता है तो मैं इसको बहुत ज्यादा डैमेज दे देता हूँ। और जब वो भागने लगता है तो उसको हेडशॉट मारकर इजीली डाउन कर देता हूँ, बट जिसको डैमेज दिया था वो तो गायब हो जाता है। और फिर थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद भी वो एनमी तो मुझे नहीं मिलता, बट अचानक से सामने आ जाता है और फिर मैं उसको वन टैप देता हूँ, मेरा एस हो जाता है एंड बड़े आराम से हम लोग इस वाले मैच को जीत जाते हैं। और चलो अब बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 5 की, जो कि वर्क करने वाला है हमारे रिमनाम विलेज वाले प्लेस में। और इस वाले ट्रिक को करने के लिए आपको सिर्फ एक ही ग्लोबल का यूज करना पड़ेगा, लॉन्ग रेंज में है इसलिए आप एक लॉन्ग रेंज की गन परचेस कर लेना। और मैं तो यहाँ पर रॉम परचेस कर लेता हूँ, बाकी आप चाहो तो अपने मनपसंद गन को परचेस कर सकते हो। और ये देखो सामने वाले बंदे कितना खतरनाक खेल रहे हैं, सामने पिछले ही गेम में एक बंदे ने एस मारा है, ये वही बंदा है जिसको मैंने फर्स्ट राउंड में हेडशॉट मार के अपना एस निकाला था। एंड यहाँ पर 3-3 का राउंड हो चुका है, देखना यह है कि ये वाला मैच कौन जीतता है। बाकी एक ग्लूवल को यहाँ पर लगाना है और फिर इधर से जंप करके आप ग्लूवल पे चढ़ जाओगे। ये रैंडम बंदा भी मेरा ही ट्रिक यूज कर रहा है। और सामने के साइड एक फायर करके मैं राइट साइड भी जंप करता हूँ, बट राइट वाले घर में कोई नहीं होता। और मैं यहाँ से ट्राई कर रहा था कि 1-2 डाउन निकालने के बाद हम उन पे रश कर देंगे, बट काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी सामने वाले एनिमीज नहीं निकलते हैं। और यहाँ पे बहुत ही जल्दी जोन भी आ चुका था तो हमें नीचे जाना ही पड़ेगा, तो हम दोनों ही नीचे के साइड आ जाते हैं। सामने वाले बंदे तो निकल नहीं रहे थे, बट फिर भी मैं AWM ट्राई करता हूँ और फिर इस वाले एनमी को 150 मारते ही ये डाउन हो जाता है। एंड फिर मैं इसको फिनिश करने के लिए इस पे रश कर देता हूँ एंड इसको फिनिश करने के बाद फिर थोड़ी देर स्पॉट करने के बाद मुझे पता चलता है कि सामने वाले एनमी घर के पास ही है, तो मैं बहुत इजीली नेड कुक करके सही नेड फेंकता हूँ एंड डाउन भी आ जाता है। एंड अब लास्ट वाला एनमी ही बचा है और फिर ग्लू बेल्टर फेंकने के बाद मेरे रश करने तक ही सामने वाले एनमी को हमारे रैंडम टीममेट्स मार देता है एंड हमारा हो जाता है बोया। हाँ तो चलो अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की, जो कि वर्क करने वाला है हमारे पोचिनोक वाले प्लेस में। और गाइस इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक ग्लोवल का यूज करना पड़ेगा, ना कि ट्रिक को करने के लिए बल्कि अपने आप को कवर लेने के लिए। बाकी आपको तो पता है एक लॉन्ग रेंज की गन भी परचेस करना होता है तो कर लेना है, फिर तत्सुया का यूज करके यहाँ के पहले टायर का यूज करके ऊपर आना है और फिर एक ग्लोवल को हाथ में लेने के बाद ही दूसरे टायर पे जंप करना है एंड एनिमीज को मारने से पहले ग्लोवल लगा के अपने आप को कवर ले लेना है। और गाइस सच्ची बता रहा हूँ इस वाले प्लेस में आ जाने के बाद आपको बहुत ही कम ही बंदे नोटिस कर पाएंगे एंड सामने वाले खिड़की वाले एनिमीज को आप इजीली मार पाओगे। और मैंने जिसको डाउन किया था वो रिवाइव ना हो जाए तो आगे जाके मैं उसको फिर से डाउन कर देता हूँ। और नीचे वाले एनिमीज को मारते टाइम ही मेरा एम मिस हो जाता है एंड उसको नहीं लगता डैमेज, तो मैं ग्लोवल लगा के कवर लेकर मारता हूँ बट वो कवर में चला जाता है। और फिर मैं यहाँ पर नेट कुक करके उसके ऊपर फेंकता हूँ एंड नेट बहुत परफेक्ट होता है जिससे वो इजीली डाउन हो जाता है। और मेरी एचपी यहाँ पर बहुत कम हो गया था लेकिन सामने खिड़की वाले एनिमी को हेडशॉट मार के मैं इजीली डाउन करता हूँ। और यहाँ मुझे पता चल जाता है कि मेरे ऊपर नेड आ रहा है, ग्लोवल लगाता हूँ बट फिर भी कवर नहीं हो पाता एंड मैं डाउन हो जाता हूँ। हाँ बाकी अब मैं बताता हूँ आपको ट्रिक नंबर 3, जो कि हमारा वर्क करने वाला है मील वाले प्लेस में। और देखो इस वाले ट्रिक को करना सबसे आसान होगा क्योंकि एक ही ग्लोवल का यूज करना है, वो भी अपने कवर के लिए। तो बस एक लॉन्ग रेंज की गन खरीद लेना है एंड फिर मैच स्टार्ट होते ही आप लोग को इस वाली सीढ़ी का यूज करके ऊपर आना है। जो ग्लोवल का यूज करने को मैंने बोला था उसको यहाँ पे लगाना है एंड फिर गाड़ी के ऊपर 3 बार जंप करके ऊपर चढ़ जाना है। एंड देखो यहाँ पर आ जाने के बाद आपको एक बहुत ही परफेक्ट एंगल मिल जाता है, सामने से कोई भी एनिमी आएगा तो आप उसको डैमेज दे पाओगे। एंड यहाँ पर तो मैंने AWM लिया है, तो अगर आप लोग स्नाइपिंग नहीं करते तो आप लोग कोई और लॉन्ग रेंज की गन भी परचेस कर सकते हो। एंड मैं काफी देर तक वेट करता हूँ बट कोई भी एनिमी नहीं आता है, अचानक से एक एनिमी गाड़ी के पास आ जाता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो तो तुरंत ही गाड़ी से पहले नीचे उतर जाओ वरना वो नेड करके आपको मार देगा। और ऊपर से डायरेक्ट नीचे वाले एनिमी को भी मारना थोड़ा हार्ड होता है, बाकी वो बंदा निकलता है तो मैं उसको 200-150 का डैमेज देकर इजीली डाउन कर देता हूँ। बाकी मैं बताऊँ तो अगर आप लोग स्नाइपर की जगह AK-47 लेके रखोगे तो उससे शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज दोनों में ही फाइट कर पाओगे, तो यार आप लोग भी इस वाली ट्रिक को जरूर से ट्राई करना। तो अब मैं आपको ट्रिक नंबर 2 बताऊंगा, जिसकी वीडियो क्लिप मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया था जिसमें हम वो वाला मैच हार गए थे। अब देखो शॉकिंग बात तो ये है कि इसमें मैंने अच्छे से हिडन प्लेसेस भी यूज किया, एक बंदे को हेडशॉट से डाउन भी किया और नीचे के साइड दूसरे बंदे को मैंने ग्रेनेड से डैमेज भी दिया। बट आखिर मैंने क्या ही ऐसी मिस्टेक की जिससे कि एक अकेले बंदे ने हम दोनों को मार दिया एंड हम ये वाला मैच ही हार गए। तो यार देखो अगर आपके साथ भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि छोटे छोटे मिस्टेक से आप पूरे मैच को हार जा रहे हो तो स्क्रीन के राइट साइड ऊपर देखो एक आई बटन दिख रहा होगा, उस वाली वीडियो को देखकर आप बहुत ही सारे अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और क्या आप लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो फिर जरूर से श्योर क्लिक करो। तो चलो अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक नंबर 1, यानी कि ड्रैगन एयर ड्रॉप के ऊपर चढ़ने की ट्रिक। तो इसको करने के लिए हम लोग को पहले वो वाली प्लेस सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें ड्रैगन एयर ड्रॉप हो एंड फाइनली मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से जंप करते ही मैं ड्रैगन के ऊपर कूद जाऊंगा, तो चलो फटाक से मेडिकेट लगाते हैं एंड फिर जंप करते हैं। और गाइस ड्रैगन की स्पीड यहाँ से बहुत ज्यादा लग रही है तो मुझे पहले ही जंप करना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। और गाइस मैंने जंप तो सही किया था बट ड्रैगन आगे निकल गया, मैं उसके आर पार होकर नीचे गिर जाता हूँ। और ये देखो जब मैंने क्लॉक टावर वाले प्लेस में ड्रैगन के ऊपर चढ़ने का ट्राई
ट्राई किया तो। और यहाँ आकर मैं ड्रैगन को घूम के फिर से आने का वेट करता हूँ, एंड इस टाइम मुझे पहले ही जंप करना पड़ेगा ड्रैगन को आने से। एंड फिर ड्रैगन मेरे काफी पास आ चुका था, एंड इस बार मैं बहुत ही परफेक्ट जंप करता हूँ। हाँ, बट यार फिर भी इसके ऊपर नहीं चढ़ पाता, एंड नीचे गिर जाता हूँ। और फिर मैं इस ट्री को नूरक डैम वाले प्लेस में ट्राई करता हूँ जिसमें मेरे ड्रैगन बहुत ही पास आ चुका था। एंड गाइस अब तो मेरा इस ड्रैगन से भरोसा ही उठ गया, अब मुझे नहीं लगता इसके ऊपर चढ़ पाना इतना आसान है। और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ड्रैगन के ऊपर मैं खुद के ड्रॉप पे जंप करते हैं, एंड फिर से ड्रैगन पार हो गया। हाँ, वैसे इस तरीके से ड्रैगन के ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं होगा, और इसीलिए मैंने ये सोचा है कि अब मैं कस्टम बनाकर ड्रैगन के ऊपर चढ़ने का ट्राई करूंगा। और कस्टम में मुझे बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि उसमें अनलिमिटेड ग्लूबल्स होंगे, जेट पैक शूज होंगे जिसका यूज करके मैं बड़े आराम से चढ़ जाऊंगा। एंड वैसे आपको क्या लगता है, कस्टम का यूज करके मैं ड्रैगन पे चढ़ पाऊंगा? कॉमेंट में बताओ। एंड अगर आपको कोई ट्रिक पता है ड्रैगन के ऊपर चढ़ने का तो वो भी कमेंट करो। और बाकी हिडन प्लेसेस की और भी मजेदार वीडियो देखनी है तो नेक्स्टेरा के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, एंड बरमुडा के लिए लेफ्ट वाली। एंड गाइस जल्दी क्लिक करो क्योंकि अब मैं आपसे वहीं मिलूंगा।